शेन वॉटसन को क्रिकेट फैंस लंबे समय तक अब याद रखेंगे। इसका प्रमुख कारण यही है कि उन्होंने फाइनल मैच में 2000 नाबाद शतक जमाकर चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बना दिया। वॉटसन ने सिर्फ 57 गेंदों में 11 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 117 रन बनाए। वॉटसन ने तो फाइनल यादगार बना दिया, लेकिन इस बीच उन्होंने गेंदबाज के करियर पर गहरा धब्बा लगा दिया। जी हाँ, वॉटसन ने हैदराबाद के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा के एक ओवर में 27 रन जड़कर उनके करियर के साथ खिलवाड़ कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के बीच रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर आईपीएल 2018 का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक हुआ। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करके चेन्नई के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 गेंदे शेष रहते 8 विकेट से मुकाबला और खिताब जीता। वॉटसन चेन्नई की जीत के हीरो रहे। एक समय मैच बेहद रोमांचक स्थिति में था, तब ये कहना मुश्किल हो रहा था कि आईपीएल 2018 की चैंपियन चेन्नई बनेगी या फिर हैदराबाद। चेन्नई को 48 गेंदों में 75 रनों की दरकार थी। तब तक उम्मीद की जा रही थी कि मजबूत गेंदबाजी आक्रमण वाली हैदराबाद कुछ कमाल करेगी और दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल करेगी, मगर शेन वॉटसन के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने 13वें ओवर में संदीप शर्मा की जमकर धुनाई की और चेन्नई की जीत की कहानी लिख डाली। वॉटसन ने संदीप शर्मा के एक ओवर में 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से कुल 27 रन बनाए। यही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आपको बता दें कि इस ओवर में रोमांच काफी ज्यादा रहा। संदीप ने पहली गेंद अच्छी डाली और कोई रन नहीं दिया। ओवर की बस यही गेंद अच्छी रही। संदीप शर्मा के ओवर की दूसरी गेंद लो फुल टॉस की, जिस पर वॉटसन ने एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में शॉट खेला और 4 रन हासिल किए। फिर संदीप की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट लेंथ की गेंद डाली, जिस पर वॉटसन ने दमदार पुल शॉट खेला और छक्का लगाया। वॉटसन ने चौथी गेंद पर फिर छक्का जमाया। ये छक्का ज्यादा बड़ा रहा क्योंकि गेंद सीधे स्टैंड्स में दर्शकों के बीच गई। संदीप ने यह बॉल लो फुल टॉस की थी। वॉटसन यही नहीं रुके, उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर आई गेंद पर मजबूत शॉट जमाया और लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जड़कर हैट्रिक पूरी की। संदीप शर्मा पूरी तरह से निराश हो चुके थे। कप्तान केन विलियमसन ने शर्मा को समझाकर अपनी लाइन और लेंथ सुधारने की सलाह दी, मगर शर्मा वापसी नहीं कर सके। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर डाली, जिसे अंपायर ने वाइड करार दिया। संदीप ने आखिरी गेंद पर फिर से ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिस पर वॉटसन ने बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के फील्डर के बीच से शॉट खेलकर चौका हासिल कर दिया। यहां से मैच चेन्नई के पक्ष में आ चुका था। इस ओवर के बाद सीएसके को जीत के लिए 42 गेंदों में 48 रनों की दरकार थी, जो आसानी से पार किया जा सकता था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।